नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आइए आंसर की देख लेते हैं। ये जनरल स्टडी का आंसर की है, इसे देख लेते हैं क्या सही है। तो 1857 पुत्रों के लिए नाना साहब ने अपने नाम मुगल सम्राट का घोषित किया था, वो है आपका नायब दीवान। ठीक है, ये आपको सही है। देखिएगा, इसने गलती से लेफ्टिनेंट एएस की हत्या कर दी, इसमें भी सी ऑप्शन सही है। किस मुस्लिम सरदार संग्राम सेनानी को भाईचारा एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी, तो इसमें भी विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, इसमें आपका सिंगापुर ये आपका ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, उन्नीस सौ 35 में ये आपका 10 लाख है, बी। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, 36 प्रश्न संख्या 36 में आपका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, 37 में भी आपका सी ऑप्शन सही है, 37 का। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, 38 में बी ऑप्शन आपका सही है, 1904। तो यह आपका जो प्रश्न था, यह क्लास 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, लेकिन जीएस का पोर्शन है। जीएस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबका कॉमन है। तो यह आप लोग जीएस का यह सीरीज आप लोग मिला सकते हैं इतिहास का। ठीक है, यह सबका कॉमन है जीएस, उसमें इतिहास का जो प्रश्न आपके प्रश्न के उत्तर सही है वो मैं आपको बताया हूँ। अब आइए सब्जेक्ट वाला, सोशल साइंस में जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वह लोग आएँ कक्षा 6 से 8 हिस्ट्री सोशल साइंस में कौन सा प्रश्न आपका सही है देख लेते हैं। जो कन्फ्यूजन वाले हैं उसे मैं कन्फ्यूजन में रखूँगा। देखिए, ब्रिटेन में किसी क्रांति के प्रकार के रूप में जानते हैं लॉर्ड टाउनसेंड को, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुई थी 1914 से 1918, विकल्प सी। प्रश्न 3, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीयों के हाथ में था, तो ये आपका वस्त्र उद्योग। प्रश्न 4 देखिएगा, महात्मा गांधी ने चंपावड़ यात्रा शुरू की थी 1917 में। प्रश्न 5 देखिएगा, भारत में प्रथम छापा कारखाना किस वर्ष किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1650 में डच के द्वारा। प्रश्न 6, इनमें से किसने पेरिस शांति सम्मेलन में बड़े 4% का सदस्य था, ये थे बुड्रो विल्सन, विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रश्न 7 का आपका बी, 1878। प्रश्न 8 देखिएगा, जलियांवाला बाग कांड किस दिन हुआ था, तो बैसाखी के दिन हुआ था, विकल्प सी। प्रश्न 9 देखिएगा, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, तो महात्मा गांधी, सी। प्रश्न 10, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी, तो आधुनिक तकनीक प्रारंभ किया था पुर्तगालियों ने, विकल्प ए। प्रश्न 11, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु 100 कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था, उसमें उपयुक्त सभी होगा, विकल्प डी। इटली में पुनर्जागरण किस भाषा साहित्य को स्थान मिला था, लैटिन एवं फ्रेंच, विकल्प सी। इसमें 3 स्टेट, विकल्प बी होगा। ये देखिए, क्लास 11 में यह चैप्टर है, इसे संबंधित ही आपका आ गया है। प्रश्न 14 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्सायी संधि जर्मनी को तबाह कर दिया था, विकल्प डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें चित्रंजन दास होंगे, विकल्प ए, ये आपका बी होगा, जॉन लॉक जीन जैक्स रूसो, बी। इसमें आपका उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक, विकल्प डी। ये आपका 1917 होगा, बी।
1919 बम का दर्शन किसका है? भगवती चरण बोहरा, विकल्प सी फिलासफी ऑफ बम। कामाघाट मारू क्या था? एक जहाज थी। ये आपका कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक को दर्शाता है? 1934 पटना। आप सम्मान आंदोलन नीति स्वामी रामायण नायकर। नाजी दल की स्थापना की थी या आपको उपरूप में से कोई नहीं होगा, क्योंकि नाजी दल की स्थापना जो हुई थी तो 1920 में हुई थी और 1920 ऑप्शन में नहीं है, तो विकल्प ही जो होगा आपका सही होगा, इसमें सी होगा। प्रश्न 25 जो आगा इसमें आपका सी होगा। ये आपका कंफ्यूजन है, ये आपका डी होगा ऑप्शन सही डी। ये कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, इसे हम छोड़ देते हैं, इसमें आपका डी होगा, डी ऑप्शन। ये आपका रोमानिया बुल्गारिया विकल्प ए, बेला और चमेली क्रांति जो हुई थी विकल्प ए। रोम चलो आपका मुसोलिनी का है विकल्प सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य जो देश हैं बी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है सच्चिदानंद सिन्हा का है बी। रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था लेनिन ने विकल्प ए। वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुक्त व्यापार ही। किस घटना से यह सिद्धांत निष्ठावियों की पूर्ति अपनी मांग पैदा करती है? यह 1929 की जो महामंदी है ये। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आपका।